उत्तर प्रदेश के आगरा में पुरानी रंजिश के चलते बदला लेने के लिए पड़ोस के व्यक्ति ने छत पर सो रहे परिवार के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इसमें परिवार के 4 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने भी पड़ोसी पर ही शक जाहिर किया है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। साहागंज के कौलहाई में असलम अपने परिवार के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 साल पहले पड़ोसी कल्लू की पत्नी को असलम का भाई भगाकर ले गया था। वो उसे बाहर रखे हुए है। कल्लू ने असलम से कई बार अपने भाई को समझा कर उसकी पत्नी को वापस कराने के लिए कहा, लेकिन बात तो नहीं बनी। दोनों के बीच में कई बार झगड़े होते रहे। बीती रात इसके ऊपर किसी ने तेजाब की शीशी फेंक दी, सभी घायल हो गए। घायलों ने पड़ोसी कल्लू पर शक जताया है। इंस्पेक्टर शाहगंज जसवीर सिरोही जब कल्लू की छत पर गए तो उन्होंने देखा कि कल्लू की छत पर तेजाब की छींटें पड़ी हुई थी और वो फरार था। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के बीच में पुरानी रंजिश चल रही है। कल्लू को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। बीती रात में असलम, जो कि कोलियाई थाना शाहगंज का रहने वाला, अपने छत पर सोया हुआ था। उसकी पत्नी, भाई, बेटा और बेटी भी साथ साथ सोए हुए थे। किसी ने रात्रि में छत से तेजाब फेंका, जिसमें इसकी पत्नी, लड़की, भाई और बेटा तेजाब जलने से जले हैं, घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। असलम के कोई जलने का निशान नहीं है। इसके द्वारा जो उसका पड़ोसी है कल्लू, उस पर शक व्यक्त किया गया है। कल्लू के मकान की छत पर छींटे भी मिले हैं। इसमें दुश्मनी का पुराना कारण असलम के भाई द्वारा कल्लू की भाई की वाइफ को 7-8 साल पहले भगा कर ले जाना बताया गया है, और कल्लू को हिरासत में लिया गया है। उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और FIR लिखकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।